सैरम टू ऑल। सो सायराम साहब, सैरम, लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट द क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड वी डिस्कस टू थ्री क्वालिटीज। द फर्स्ट वन इज पैशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वालिटी, दैट इज मोटिवेशन। Yes, so what is the meaning of motivation? देखिए, ये जो भाई हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं, इन टॉपिक्स में आपको क्या करना है, यू हैव टू स्पीक। आप जितना अच्छे से बोलेंगे उतना अच्छा जो है वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, और आपको ऐसा रटना नहीं पड़ेगा इस इन चैप्टर्स में से। तो आप जो भी जानते हैं, जैसे कि अभी हमारा चल रहा है कि क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, देन द फर्स्ट क्वालिटी इज पैशन। आपने पैशन के बारे में काफ़ी एक्सप्लेन करा था। नेक्स्ट है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के बारे में आप करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन, ठीक है। और अभिषेक जैन से स्टार्ट करते हैं। अभिषेक जैन, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन? मोटिवेशन गिव्स अस अ कॉन्फिडेंस टू डू एनी वर्क। ठीक है, अभिषेक भार्गव, आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं जहां पे आपको ऐसा लगा हो कि मोटिवेशन के हेल्प से कुछ हम अच्छा अचीव कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं? यस सर, जब से हमारे साथ पेपर में कम नंबर आते हैं, जैसे सर टीचर हमको समझाते हैं कि हम कर सकते हैं, हम थोड़ी और मेहनत करेंगे जैसे हम और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अच्छा, ठीक है, गुड। आफ्टर दैट अभिषेक के बाद नेक्स्ट है अनुष्का, आपको ये और एग्जांपल दे सकते हैं मोटिवेशन का? Yes, कुछ भी नया स्टार्ट करना हो या फिर कुछ भी हम करने जा रहे हो जो हमें पहली बार करना हो या फिर कुछ भी ऐसा हो जिससे एंग्जाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, तो उसमें अगर कोई भी हमें ऐसी बातें समझाए कि हम कर सकते हैं या फिर हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करे, तो वही मोटिवेशन होगा और वो बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, ठीक है, चलिए अनुष्का के बाद नेक्स्ट है चारू। चारू, आपको ये बताना है कि what is the opposite of motivation? Depression. Demotivation. हाँ, ठीक है। तो चारू, आपको कभी ये demotivation का meaning आपको पता है चारू? हाँ सर, मतलब motivation का मतलब होता है कि किसी को क्या बोलते हैं, उत्साहित करना, और डिमोटिवेशन मतलब किसी को मतलब डराना है, फिर बोलना है कि तुमसे नहीं हो पाएगा इस टाइप से। ओके, हाँ, ठीक है, नहीं हो पाएगा, करेक्ट। चेष्टा, कभी आपको किसी ने डिमोटिवेट करा है? नो सर, ऐसे तो किसी ने नहीं किया। अच्छा, तो आपको मोटिवेट करने का कोई एग्जांपल है, कभी आपको किसी ने मोटिवेट करा हो? यस सर, ऐसा कई बार हुआ है। बताइए, कोई एग्जांपल शेयर करो मोटिवेशन का। सर, पिछले साल प्रोजेक्ट वन में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नाइन्थ है और बहुत चेंजेस हो गए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा मुझसे या मैं फेल हो जाऊंगी, लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स थे और कई सारे ऐसे टीचर्स है जो मुझे बचपन से जानते थे, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कि नहीं, तुम कर सकती हो, तुमने पहले से भी किया है, और ऐसे मोटिवेट किया और फिर मैंने ट्राई किया तो हो गया। ओके, ठीक है, करेक्ट, गुड। सो एंटरप्रेन्योर्स की एक अच्छी क्वालिटी यहाँ पे बता रहे हैं, दैट दे ऑलवेज मोटिवेट। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स मोटिवेट करते हैं, तो दिव्यांश, आपको बताना एंटरप्रेन्योर्स किसको मोटिवेट करते हैं?
सर, जो नए बच्चे हैं, न्यू स्टूडेंट, जो बाकी बच्चे उस फील्ड में काम करना चाहते हैं उन्हें। यस हाँ, मतलब अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं वो। यस हाँ ठीक है। और दिव्यांशी के बाद एकलव्य, एकलव्य आप कोई और एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें आपको ऐसा बता सकते हैं कि कोई इंटरप्रेनर अपने एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट करता हो? सर यही सारे एग्जांपल हैं। सही। अच्छा ओके। एकलव्य के बाद हर्षित आप बताएंगे, इंटरप्रेनर अपने एम्प्लॉयज को जो उनके ऑफिस में जॉब करते हैं उनको कैसे मोटिवेट करते होंगे? सर जब एम्प्लॉय सर डरते हैं, जो उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है, तो सर वो उसको मोटिवेट करते हैं, हो जाएगा आगे और कोशिश करो, तो फिर सर हो जाता है मोटिवेट होके सब कुछ हो जाता है। ओके ठीक है। हर्षवर्धन जय लक्ष्य मिष्टी सर, हाँ जय बताइए, इंटरप्रेनर अपने एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट करते होंगे? सर वो उन्हें से उत्साहित कर सकते हैं, अगर कोई प्रोग्राम से, अगर सर कोई कंपनी एंटरप्रेनर सर किसी चीज को क्रिएट करने के लिए बोल सकता है कि अगर कोई बोले कि नहीं क्रिएट हो सकता तुमसे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो वो ये बोल सकता है कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है कि तुम ये कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। अगर वो चाहे नहीं भी कर पाता होगा तो भी वो मोटिवेट होके वो कर लेगा। हाँ ठीक है। सो आई गिव टू थ्री एग्जाम्पल्स जो हमारी फैमिलीज में हैं, कुछ जो कंपनीज में काम करते हैं, ठीक है, वो उनको मोटिवेट करने के लिए क्या करा जाता है, देखिए व्हाट दे डू। एक वो है ना, वहाँ पे ऑफिस में उन्होंने एक डैशबोर्ड बना के रखा है, जैसे जिस एम्प्लॉय का अच्छा परफॉर्मेंस है तो उस एम्प्लॉय का उस मंथ पे टॉप पर नाम दिया जाता है, ठीक है। और फिर उस एम्प्लॉय को कंपनी की तरफ से कोई भी एक गिफ्ट दिया जाता है। जय आपका माइक बंद कर दूं। है ना, मंथ में जो भी जो एम्प्लॉय उसने अच्छा परफॉर्म करा है पूरे मंथ, उसको कोई गिफ्ट कंपनी की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। और उनको मैं एक ये कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें हमारी फैमिली के एक मेंबर हैं, वो उनसे जब मैंने डिस्कस करा था तो बता रहे थे कि उनको फिर वहाँ से उनके हेडक्वार्टर से कॉल आता है और वो उनको थैंक्स बोलते हैं कि ना बहुत अच्छा आपने अचीव करा है, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस है, ठीक है। समटाइम्स द कंपनी क्या करती है कि अपने एम्प्लॉयज के साथ बाहर भी जाती है, दे उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए वो आउटिंग पे भी जाते हैं, उनको कहीं बाहर ले जाया जाता है, ठीक है। और कुछ एम्प्लॉयज को कुछ कंपनीज जो हैं वो उन्हें पार्टी देते हैं, ठीक है। और एक उनके लिए रीजन हो जाता है कि बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो ऑफिस में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो इस तरह से वो कुछ ना कुछ ऐसे बहाने ढूंढते हैं जिससे कि एम्प्लॉयज जो हैं वो मोटिवेट होते रहें, ठीक है। तो दीज आर द वेज, है ना, कुछ कंपनीज जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज में जैसे कि पूरे साल भर उन्होंने बहुत ये अच्छा अचीव करा है तो उनके लिए वो फॉरेन के टिकट्स देते हैं कि वो उनकी वो उस फैमिली को अपने साथ लेकर जा सकते हैं, कुछ भी ऐसा इस तरह का दिया जाता है उन्हें ऑफर। ये इस तरह के मोटिवेशन के टेक्निक्स होती हैं कंपनी के पास। दो आर वर्किंग वेरी हार्ड, जो बहुत अच्छा जिनका परफॉर्मेंस होता है उनको इस तरह के कुछ ना कुछ मोटिवेट करने के लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं कंपनीज। नेक्स्ट टॉपिक है और वो है क्वालिटी है, दिस वन इज द क्वालिटी, क्वालिटी इज ऑप्टिमिज्म। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म? ऑलवेज थिंकिंग पॉजिटिव अच्छा तो इसने आप एंड बताएंगे, होप। हाँ
एक स्टूडेंट है जो आपके ठीक है और आपने किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा है तो वो आपका सोचता है कि ये इसने हार जाए उस इवेंट में, गिर जाए, ठीक है, आपके बारे में उस इस नेगेटिव एटीट्यूड है, तो आप हाउ आपका ऑप्टिमिज्म क्या रहेगा उस फ्रेंड के लिए? फ्रेंड के लिए सर ऑप्टिमिज्म यही होगा कि मींस मैं गेम में फोकस करूं और उसको वो जो भी बोल रहा है उसको इग्नोर करूं, मींस उसको हाँ पॉजिटिव अच्छा, सोचना। तो हाँ मतलब आप उससे फाइट करने की बजाय आप सोचेंगे कि आप उसके बारे में आप थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करेंगे कि ठीक है ये पॉइंट आपका ठीक है कि आप थोड़े टाइम के लिए उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ओके नाउ हम पहुंचे थे जय के बाद, नेक्स्ट है प्रियांशी। प्रियांशी ऑप्टिमिज्म का मीनिंग जैसे अभी आपने बताया कि वी विल सी द गुड थिंग्स अराउंड अस और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव, अच्छा से अच्छा ही सोचना चाहिए, ठीक है, ये ऑप्टिमिज्म का मीनिंग है। तो लेकिन कभी कभी तो प्रियांशी आपको आपके भी दिमाग में ऐसा आता होगा कि जो आपके फ्रेंड है जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं तो आपके मन में भी आता होगा कि इसके साथ भी बुरा हो, जब भी ऐसा लगता है कि किसी फ्रेंड से थोड़ा ऐसे थॉट्स आते हैं तो मैं ट्राई करती हूँ कि उससे क्लियरली ऐसे बात करूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्या हो गया है, अगर कोई मैटर है तो हम लोग अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको सॉर्ट आउट कर लें। हाँ गुड, ठीक है, वी हैव टू डिस्कस, करेक्ट, हमें उससे डिस्कस करना पड़ेगा, अच्छा पॉइंट। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर फिर नेक्स्ट है रोमिया। रोमिया आपको बताना है कि आप ऑप्टिमिज्म कब हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आप अच्छा सोचने कब लग जाते हैं, ऐसा कभी आपके साथ होता है? नहीं, मैं अनुष्का का चैट पढ़ा था तो मुझे हंसी आने लगी। हाँ रोमी आप बताएंगे आप पॉजिटिव कब हो जाते हैं? यस सर, कई बार जब हमारे साथ दिन भर से जैसे बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है तो सोचते कि शायद आगे भी अभी जैसे कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो शायद ये भी अच्छा ही होगा, ऐसा सोच के। ओके ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत रिस्की रहता है बिकॉज उनका मनी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि उन्होंने अपना मनी इन्वॉल्व करके रखा उस बिजनेस में तो नेगेटिव तो वो सोच ही नहीं सकते, ठीक है, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव या पॉजिटिव आइडियाज लाने पड़ते हैं अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। सो दे हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर बिजनेस एंड देयर फ्यूचर, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है उन्हें। नाउ और इसी तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड वो अपने एम्प्लॉयज में भी देखना चाहते हैं। इन प्राइवेट कंपनीज ये होता है कि बहुत ज्यादा अगर जैसे आपके एम्प्लॉयज जो हैं, कभी कभी क्या होता है एम्प्लॉयज भी उस कंपनी के खिलाफ हो जाते हैं, उनके पॉलिसीज के खिलाफ हो जाते हैं, तो फिर ऐसे एम्प्लॉयज को बहुत जल्दी टर्मिनेट भी कर देती है कंपनी। दोज आर वेरी नेगेटिव एटीट्यूड, जो नेगेटिव एटीट्यूड से काम करते हैं, कंपनी का प्रॉफिट ना हो तो द प्राइवेट कंपनीज विल टेक वेरी इमीडिएट एक्शन और दे टर्मिनेट दोज एम्प्लॉयज। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वालिटी है एंटरप्रेन्योर्स की, वो है विजन। ठीक है,
गोल ओरिएंटेड विजन का मतलब गोल ओरिएंटेड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैव अ विजन दैट दे शेयर विद अदर्स कि वो क्या आगे क्या करना चाहते हैं, व्हाट आर देयर विजन्स. ठीक है, अगले एक साल में, अगले दो साल में उनका क्या स्ट्रेटेजी रहेगी. ठीक है, उस विजन पे वो काम करते हैं. अब जैसे नाउ, हाँ यस, अभी किसका टर्न चल रहा था, हम कहाँ तक पहुंचे थे, रोम्या के बाद सचिन. सचिन अभी आप 10th क्लास में, अब जैसे आपके साथ सोचते होंगे आपकी 11th 12th में आप क्या करेंगे, तो बताइए 11th 12th में आपने क्या सोच के रखा है. सर अभी डिसाइड तो नहीं किया, पर मतलब प्रोसेस में, तो और ऐसा लग रहा है शायद मैं और सचिन 11th 12th के बाद क्या सोच के रखा है. 11th 12th के बाद क्या सोच के रखा है सर. 11th 12th के बाद तो या तो मतलब अभी पूरा क्लियर नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि या तो थोड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या फिर कुछ यूपीएससी वगैरह या फिर सिविल सर्विसेज के लिए, इसमें किसी में भी जा सकता. अच्छा ओके, सो ये आपका विजन है. यस ठीक है. साक्षी, जैसे आपको साक्षी का इंटरेस्ट है रंगोली बनाने में, तो आपका कोई विजन है आगे चल के इस फील्ड में, यू वांट टू शो समथिंग. सर नॉट येट डिसाइडेड, अभी डिसाइड नहीं किया है. अच्छा ठीक है, श्योर है. आप कुछ अपना विजन बताएंगे आगे के फ्यू इयर्स के लिए. सर अभी कुछ सोचा नहीं है. ठीक है, सो सी, अभी जैसे कि आप कुछ पॉइंट बोल रहे हैं कि हमने सोचा नहीं है या इस तरह का, तो यहाँ पर क्या होता है कि अच्छा ओके, सिस्टी ने लिखा है कि वो ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहती, तो एंटरप्रेन्योर्स वेरी अपने गोल हैं वो क्या चाहते हैं, बिजनेस को कितना एक्सपांड करना चाहते हैं ना, कहाँ तक फैलाना चाहते हैं अपने बिजनेस को. अब आप, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ रामदेव बाबा, उनका हम रामदेव बाबा का एग्जांपल लेते हैं. आप देखेंगे कि विद इन फ्यू इयर्स उन्होंने अपने बिजनेस को इतना ज़्यादा एक्सपांड कर दिया है पूरी कंट्री में. ठीक है, और उनका विज़न ये था कि उनका विज़न इतना हाई था कि दे हैव टू पुट द इंडियन प्रोडक्ट्स ऑन टॉप, ये उनका विजन था. ठीक है, कि वो अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को आगे ले जाएं, और वो अपने विजन में काफी कामयाब हो चुके. तो इस तरह का जब विजन रहता है, ठीक है, तो रामदेव बाबा इज अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. ठीक है, बहुत अच्छी उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी है. चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी क्या होती है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं. साक्षी के बाद शौर्य, श्रमित. श्रमित व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी. सर क्रिएटिविटी मतलब हम कितना लेवल तक सोच सकते हैं, मतलब हमें कुछ अगर बनाना है तो उसमें हम कितने अलग अलग आइडियाज को सोच के डाल सकते हैं, उसे क्रिएटिविटी बोलते हैं. ओके ठीक है, श्रेया, श्रेया वो आपको एग्जांपल देना चाहोगे क्रिएटिविटी का. सर ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में अगर हमें कुछ बनाना हो, जैसे कि कभी स्कूल प्रोजेक्ट्स होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशंस बनाने पड़ते हैं, तो उनको वो कितना क्रिएटिव हो और लोगों को क्या देखने में मज़ा आए, तो उसमें हम
बहुत अलग अलग आइडिया से सोच सकते हैं, तो फिर ये हो सकता है क्रिएटिविटी का एक एग्जाम्पल. ओके यस यस सी अगर आप अभी रिसेंटली आप सभी आई थिंक 15-16 इयर्स के आसपास हैं और आप सभी को थोड़ा बहुत आप 6-7 सालों से थोड़ी बहुत मूवीज आप देख रहे होंगे. आजकल आप मूवीज आप देखें तो मूवीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी बेस्ड मूवीज ही चल पा रही हैं. ठीक है ना, पहले की जरा जो ट्रेडिशनल जो मूवीज थी अब वो उस तरह की मूवीज नहीं चल पा रही. अब एवरी पर्सन वॉन्ट्स सम क्रिएटिविटी इन मूवीज ऑल्सो, है ना. पहले क्या होता था कि सॉन्ग्स और जो एक्टर और एक्ट्रेस होते थे उन्हीं को देखकर मूवी हिट हो जाती थी, लेकिन नाउडेज द पीपल आर नॉट गोइंग टू लिसन द म्यूजिक एंड नॉट ओनली द एक्टर एंड एक्ट्रेस बट दे वांट टू सी समथिंग न्यू इन द मूवीज. तो बहुत आजकल बहुत ज्यादा है और एवरीवेयर ना कुछ 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 नया है लोगों को, है ना. तो वैसे ही एंटरप्रेन्योर्स को कुछ सोचना पड़ता है कि क्या हम नया दे सकते हैं अपने, है ना. नाउ नेक्स्ट है सेल्फ. अब देखिए आपने आप देखो डेरी मिल्क जो चॉकलेट है वो हमेशा अपने एड्स में कुछ ना कुछ नया करता रहता है. चॉकलेट वही है, कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है. कभी थैंक यू के नाम से कभी उसका चॉकलेट आता है, ठीक है. कभी एक और वो बबल के नाम से चेंज कर देता है वो. तो डेरी मिल्क जो प्रोडक्ट है वो अपना बहुत चेंज करता रहता है कुछ ना कुछ. उसमें आप उसके एड्स भी देखेंगे तो वो चेंज होते रहते हैं बार बार. नेक्स्ट है सेल्फ स्टार्टर. सेल्फ स्टार्टर का मीनिंग ये है कि एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट वेट फॉर अदर्स कि सामने वाले को मौका दें, वो खुद अपना अगर उनके पास आइडियाज रहते हैं तो खुद स्टार्ट करते हैं. ओपन माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स आर ओपन माइंडेड. आई थिंक वी डिस्कस ऑलरेडी ओपन माइंडेड क्या होता है. रिस्क टेकर. हाँ चलिए ये डिस्कस करते हैं सृष्टि से. सृष्टि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क टेकर. एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्क टेकर्स. सर रिस्क टेकर वो एंटरप्रेन्योर हो गए जो रिस्क ले सकते हैं, और अगर वो रिस्क लेंगे तो वो न्यू स्टार्टअप्स कर सकते हैं और अगर न्यू क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, और इससे उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है अगर उन्होंने जो स्टार्ट किया वो अच्छा रहा या फिर सही फील्ड में क्या. शिष्टी कैन यू गिव वन एग्जांपल ऑफ यू. आपने कभी अपने किसी फील्ड में कहीं पर भी डिसीजन में कोई ऐसी रिस्क ली है और वो रिस्क लेके आपने कुछ अचीव करा है. सर अभी तो मैंने कुछ सही अचीव नहीं किया है. सर मैं एग्जांपल बताती हूँ धीरूभाई अंबानी और अनिल अंबानी का. सर तो धीरूभाई अंबानी ने जब जियो स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, सो वो 4G और 5G स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग में पूरे टाइम 2G 3G था, तो उन्होंने रिस्क लिया और रिस्क लेने से उनको बहुत ज़्यादा गेन हुआ और अभी वो टॉप मोस्ट इंडिया टॉप मोस्ट पे आ गए हैं. तो उन्होंने रिस्क लिया, सही अटेम्प्ट में रिस्क लिया, सही डायरेक्शन में रिस्क लिया एंड देन वो सक्सेसफुल हो गए. तो इसको कहते हैं रिस्क टेकिंग, वो भी सही राइट पे. यस सर. सर कभी कभी हम लोग सक्सेसफुल भी नहीं होते रिस्क लेके. तो वही बोला सही राइट. हाँ सही बात. पर मतलब जो रिस्क लेते हैं जरूरी नहीं कि हम उसमें सक्सेसफुल हों, पर रिस्क लेने से ये रहता है कि वी अचीव सो मेनी न्यू थिंग्स, वी लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स, फिर एक्सपीरियंस बढ़ता है. ठीक है. ओके नाउ वी कम ऑन टू द शुभम. शुभम अब हमारा टॉपिक है कॉन्फिडेंस. दिस इज अनदर क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फिडेंस. सर कॉन्फिडेंस मतलब सर उनको कॉन्फिडेंस रहता है अपने ऊपर कि सर वो जो भी डिसीजन लेंगे वो कंपनी के लिए पॉजिटिव उसमें जाएगा या नेगेटिव में. सर उसके जैसे शेयर्स पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो उनके शेयर्स डाउन हो जाते हैं जिससे बहुत प्रॉब्लम्स आती है. सर एक जो कॉन्फिडेंस कहते हैं सर वो बहुत जरूरी चीज रहती है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. अक्सर कोई भी डिसीजन हम उसमें लेने से घबराए ना.
Yes, correct. Now, two, three more qualities are the determination, competitive, strong people skills and discipline. ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस करा था. सो लॉट्स ऑफ क्वालिटीज आर देयर फॉर एंटरप्रेन्योर्स. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेन फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू शो यू वन क्लिप. What are the main functions of entrepreneur? Okay, students, let me explain you the main functions of an entrepreneur. We have already read that entrepreneurs perform functions in the society. Let us now understand the five main functions of entrepreneur. Decision making. The primary task of an entrepreneur is to decide the policy of production. This includes taking vital business decisions related to purchasing and sale of the finished goods and services. He has to determine what to produce, how much to produce, how to produce, where to produce, how to sell, and so on. Management control. The entrepreneur is responsible for the management and control of his business. Therefore, he must possess good management skills and select the right type of people to work with him. Division of income. Another important function is to make necessary arrangements for the division of total income among the different factors of production. Even when the business owner faces a loss in business, he has to pay rent, interest, wages, and other contractual incomes out of the realized sale proceeds. Risk-taking and uncertainty bearing. Risk-taking is perhaps the most important function of an entrepreneur. Estimating the production is risky as an entrepreneur is required to produce goods and services foreseeing their future demand. The entrepreneur undertakes two kinds of risk during production: measurable and insurable risk and uncertainty risk. Measurable and insurable risk. There are some risks, for example, risk of fire, loss of goods in transit, theft, etc., which can be insured against any damage. These are known as measurable and insurable risk. Uncertainty risk. Some risk, however, cannot be insured against because their probability cannot be calculated accurately. These are known as uncertainty risk. These type of risk occur due to unknown or unexpected events. It is difficult to predict and control the damage done by these risks. Examples include damage done by natural disasters, new competitors or products, a sudden change in economic policies, etc. Innovation. Another important function of the entrepreneur is to innovate continuously. New products, new techniques, discover new markets to get the competitive advantage to grow and adapt the business according to the demand and current trend. There are some myths about entrepreneurship. Let us examine some myths surrounding entrepreneurs and discover the truth of entrepreneurship. Entrepreneurs are high risk takers. Entrepreneurs are neither high nor low risk takers. They prefer situations in which they can get a profitable outcome. They like challenges which they believe will lead to positive results. Knowing which business to start and which to avoid is the first important step. An entrepreneur should hence be capable of taking calculated risks. Entrepreneurs are born.
Many people believe that entrepreneurs possess inborn capabilities. However, experts agree that most entrepreneurs are not born, they learn to become entrepreneurs. Every aspiring entrepreneur should remember that starting your own business is not an easy decision, and you must understand that it will change your life in many ways. Entrepreneurs are mainly motivated to get rich. It is a myth that people become entrepreneurs to become rich quickly. Starting a business is not a get-rich-quick alternative. New business usually takes 1 to 3 years to turn a profit. During the startup stage, entrepreneurs do not splurge on a luxurious lifestyle, but instead choose to use their surplus money to pay off the debt or reinvest in the business. Their focus is on creating a company with a strong financial base for future expansion. Entrepreneurs give a little attention to their personal life. It is believed that all successful entrepreneurs work long hours, which in turn takes a toll on their personal life. The primary difference between the entrepreneur and their corporate counterpart is a well-planned schedule. Even though they don't mind working for 60 to 70 hours a week, they work out their routine in a manner that allows them to spend with their family and friends. Entrepreneurs are loners and introverts. Even though some entrepreneurs prefer working alone, they actively seek advice and make contacts to discuss their business ideas with others for business growth. Entrepreneurs are job hoppers. Entrepreneurs are not job hoppers. Most of them gain experience after working for many years in a big companies before starting their business. They use their corporate experience to learn everything about the business they intend to set up. Entrepreneurs finance their business from venture capitalists. Most entrepreneurs fund their business from personal savings, or by borrowing from friends or money lending institutions. Funding with a venture capitalist is expensive and only used as a last resort. Entrepreneurs are often ruthless or deceptive. Some people believe that you have to be deceptive to become a successful entrepreneur. On the contrary, this attitude does not work well for an entrepreneur. However, a deceptive entrepreneur often alienates himself from others. Bad relationships with his employees, customers, and suppliers inhibit his venture from becoming successful. Sir, what is the perspective? Yes. Okay, students, let me explain you the main. Entrepreneurs have limited dedication. Dedication is an essential attribute for every entrepreneur. He needs to be extremely dedicated to his venture. At the same time, he needs to make sure that his team is equally passionate to make the business succeed. Some other myths include: the only requirement for an entrepreneur is a good idea. Starting a new business guarantees freedom to its owner. Only money motivates employees. Business either flourishes or fails. All responsibility falls on the entrepreneur. There's a secret, silver bullet or golden key to success. Business needs someone with an MBA at the helm. Quitting is for losers. Students, let us see how we can consider entrepreneurship as a career option. Developed countries are moving from managerial to entrepreneurial economies. India, as an emerging economy, is ensuring that entrepreneurship is encouraged as a career choice for the young. A study conducted in 2013 by the International School of Entrepreneurship Education and Development, ISEED, reveal that more than 87% of the students surveyed aspire to become an entrepreneur, while about 90% believe that the country is full of entrepreneurship opportunities. Encouraging entrepreneurship. We have an educated youth, but job opportunities are limited. Hence, entrepreneurship can be the right career choice.
The government has sensed this shift and taken a number of initiatives to encourage the creation and growth of new ventures. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship was set up by the Government of India in 2014. Educational institutes are providing courses on entrepreneurship. A large number of incubators and business accelerators have been set up to mentor, coach, and train entrepreneurs. Recognition of entrepreneurs in the community as role models through seminars, webinars, YouTube videos, blogs, books, Massive Open Online Course, MOOC, from Coursera and Stanford Online, Open Forums, etc., are some of the initiatives that are driving the youth to choose entrepreneurship. Alumni of various institutions are returning to their campuses and actively involving themselves in mentoring and creating an angel fund. The current ecosystem for entrepreneurship is indeed vibrant. Being an entrepreneur teaches life skills, increases creativity and problem-solving skills, provides a better understanding of business and market economies, improves communication, teamwork, and networking skills, and hence enhances employability. More importantly, it teaches you that failure is also a learning experience. Peter Drucker said, "The best way to predict the future is to create it." This holds true for entrepreneurs. Entrepreneurship is full of uncertainty, but if one accepts that and is willing to embrace it, success is assured. Okay, students, let us take a recap of this session. An entrepreneur is a person who establishes a business or a venture that generates some value to the customer and proves to be profitable for him. Entrepreneurship can be described as starting a business by using the resources available to a person. Entrepreneurship has a crucial role in the functioning of the society. A business venture needs to have a novel element or process to make it acceptable and thriving in the market. New and improved products, services, and technology from entrepreneurs enable to develop new markets and create new wealth. The job creation by new and existing businesses is one of the primary goals of economic development. Entrepreneurs play a key role in increasing the standard of living in a community. Entrepreneurs are often seen as visionaries and risk takers who take well-calculated risks. The two important personality traits that entrepreneurs possess are perception and intuition. Developed countries are moving from managerial to entrepreneurial economies. Being an entrepreneur teaches life skills, increases creativity and problem-solving skills, provides a better understanding of business and market economics, improves communication, teamwork and networking skills, and hence enhances employability. So this chapter is going to be complete. अभी हमने क्या क्या डिस्कस करा है देखिए क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्लिप में आपको बताया गया था कि मेन व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एंड मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन ठीक है तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ एंड दिस इज चैप्टर दिस इज यूनिट नंबर 4 एंटरप्रेन्योर स्किल्स ठीक है सो एनी डाउट ठीक है, then Sairam to all.